आपको मैं ओप्पो के बारे में बताऊंगा कि ओप्पो फ़ोन को आप अपडेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दोस्तों सेटिंग चालू करना है। चलिए सेटिंग में आपको चालू करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे आते जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन दिया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। सॉरी, मोबाइल हमारा बंद है, मैं आपको चालू कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आया है, तो मैं आपको सॉफ्टवेयर डिएक्टिंग दिखा रहा है, डिटेक्टिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई अभी तक दिखाया नहीं है, तो आप इसको चेक करना चाहेंगे तो कहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ सेटिंग का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायल वर्जन पे। उसके बाद यहाँ पे लोडिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं नो ट्रायल वर्जन का दिखा रहा है, तो आप यहाँ से बैक होइएगा। ठीक है, फिर और टर्न फिर ऑफ कर दीजिएगा, इसे चालू कर दीजिएगा। अब फिर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन दिया है फीचर्स का, आपको इस पर ओपन करना है। फिर यहाँ पे आपको नीले वाले आइकन पे आप यहाँ से देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपका अपडेट जो है बहुत ही जल्द आ जाएगा दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है, आपका अपडेट का ऑप्शन बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो दोस्तों आपको धन्यवाद कह रहा हूँ, अगर वीडियो में कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ओके, तो कमेंट कीजिएगा आपको जैसा भी लगे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।